वेलकम बैक टू पिजन रिलेटेड टिप्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है कि हम जोड़े वाले कबूतरों को कौन सा दाना देना चाहिए ताकि वह बच्चे अच्छी तरीके से पालें और वह बच्चों को अच्छा भराएं जिससे कि बच्चे मरे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपके हिसाब से आपके पास जितने कबूतर हो, जैसे 50, 20, 30, उसके हिसाब से आपको जितना दाना देना है उतना आपको ले लेना है, मिक्स कर लेना है। ऐसे देखिए, मेरे को जितना इनको दाना देना है उतना मैंने ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो उतावले हो रहे खाने के लिए। ये देखो, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको 4-5 तरीके का दाना मिक्स कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने मिक्स किया हुआ है। इसमें फ्रेंड्स गेहूँ है, मक्की का दलिया है और चने की दाल है, चने हैं, मूंग की दाल है, हरी दाल जिसे हरी दाल बोलते हैं, मसूर की दाल है, ये देखिए लाल वाली, चावल है। ठीक है फ्रेंड्स, 5-6 तरीके के दाने आपको ऐड करने हैं इनमें और फिर आपको कबूतरों को खिलाने हैं। और उनको कैसे देना है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कबूतरों को खोला तो उनको कुछ भी नहीं डालना, पहले ऐसे घूमने दीजिए थोड़ी देर, उनको 5-10 मिनट ऐसे घूमने दीजिए बाहर, फिर आपको इनको दाना देना है। तो मेरा कबूतर घूम चुके हैं, अब मैं इनको दाना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स साफ चुके हैं, दाना दे रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से दाना खा रहे कबूतर, इससे कबूतर जल्दी दाना खाएंगे आपके और बच्चे अच्छे पालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और जब ये सारा दाना ख़त्म कर जाए, अगर आपको और डालना है फिर वो दाना डालकर, जैसे सारा दाना ख़त्म कर दे पहले, फिर आपको इनको पानी पिलाना है। उससे पहले आपको इनको पानी नहीं पिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे क्या कि अगर पहले पानी पिलेंगे तो दाना नहीं खाएंगे और ये कमज़ोर हो जाएंगे और बच्चों को भर नहीं पाएंगे सही से। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और आप आपके हिसाब से देख लेना आपको आपके पास कितने कबूतर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, एक बार और बता देता हूँ आपको, इस तरीके का दाना दे देना आपको। ये देखिए, अगर आप मिक्स का दाना दोगे कबूतर कभी बीमार नहीं होगा उससे आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कितने जल्दी जल्दी खा रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बाजरा देते हो तो गर्मी में बाजरा अगर मत देना चाहते हो तो उनको धो के देना। ठीक है फ्रेंड्स, वरना आप बाजरा उनको गर्मी में दोगे मत। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।